क्योंकि भाई लटखाड़ का टाइम माम थे और मनरल का टाइम था माम थे। कड़े गए थे भाई ये नेता, कौन से नेता थे जब हम लटखाड़ का टाइम है हमारे नौजवान भाई हमारी मातृ शक्ति आगे खड़ी थी, आज ये नेता गरीबन कटवाड़ का टाइम खड़े जाए। भाई नेता जब बने जाओगे, जब असली स्टैंड पे आकर जब जमीन पे आकर लड़ाई लड़ी जाओगी, उन नेतागिरी कदम भी नहीं बनती। और भाई 302 लग रही है, मैं कहूँ कमेटी से भी भाई कोई कड़ा फैसला ले लो, या तो भाई चंडीगढ़ के रहो कर दो, या ऐसा फैसला ले जिस तरह भाई सभी एक हो जाए। हम नु को नहीं कहते भाई हम चटू नहीं संगठन था, भाई संगठन कोई भी उसका, लेकिन अपने किसानी मुद्दा की सबकी लड़ाई होगा। कोई प्रधान जी पे ब्लेम ला था भाई, मालिकान पे बोला है नू बोला, आ सारे ने बेरा पट गया अपनी पंचायती जमीन खोसन लग रही है, या पंचायती जमीन अपनी खुद की खोस करे बीजेपी वाले दे, एक तो गांव की गांव में रहे और एक बीजेपी वाले अपनी जमीन खोसन लग रहे। तो वे बेतने ने कहा 302 लग रही है मेरे पे, जिस टाइम धर्मपाल सारण जी की डेड बॉडी दी गई थी उस टाइम पे ये फैसला हुआ था कि सारी धाराएं हटा दी जाएंगी और जो है इनके डेड बॉडी के वो मुआवजा और जो कुछ मांगे जो पूरी करी गई थी उनमें ये मांग शामिल थी। तो क्या कोई मांग पूरी नहीं हुई अभी? क्योंकि चंडीगढ़ मीटिंग थी अपनी मतलब, लेकिन उसमें कोई सा फैसला नहीं लिया, अभी हमारी जो है केस वापिस हो जाएगा और जो नौकरी की कोई भी सी बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सरकार हमेशा हमारे गले धोखेबाजी करने लग रही है। इसने जो अपना बात मनवानी है अपनी पूरी बात मनवा लिया, हमारे वर्ग में पीछे रह जाए और इन पर विश्वास करके माम हर जगह पीछे हटा। हाँ और माम तो सबसे बड़ी कमी है, हम अलग अलग संगठन में बंट गए, अलग अलग भाई संगठन भी जरूरी है। भी कुछ बात हो जाए माम अपना संगठन तब कहेगा तो यह बात भी मार गले, यह बात होगी ये माम किसका गला लगा, लेकिन वे संगठन अलग हो गए, लेकिन लड़ाई तो सबकी एक थी। सही बात, सारे अलग अलग वे कोई छोटा नेता बनने लगा, कोई बड़ा नेता बनने, नेतागिरी तो भाई पछते भी करी जाओगे, वोट पड़ेगा 2024 में जब देख लेंगे कौन सा नेता बनेगा। आना टाइम में भाई अपनी मुद्दा लड़ाई का किसान का, अगर अपने लठ लगन लगे फिर कौन से नेता रह जाएगा, अगर हमें बैठे जोगे बस सबने कहा भाई एक होकर लड़ाई लड़ लियो, पर नहीं लड़नी तो ठहर जाओ डंडे, 10 नुन्ने ठहरे 10 नुन्ने एक होकर लड़ लियो तो मारे बर गए बच जाएगा, नहीं घर में बैठना पड़ेगा आखिर में। अपने जब माँ बाबू के नहीं हुए इन्हें पार्टी बदलने तक कोई नहीं है, सिर्फ अपना फायदा देखा, ये किसी का फायदा देखते है, ये हम जनता ने बकाया का है, ये मार पर ले लेके भी हम इन्हें लो में गए इन्हें लो ना वोट दे दो, ये मारे पर क्या का बोली रेट बनाया कर, ये फिर उन्हें राज में बैठना इन्हें हमने नुबे रहा है। अगर 10 सीट भी इन्हें लो की आएगी इन्हें लो ने तो इन्हें सोचेगा भी तो हमने मुख्यमंत्री बना देगा ऊपर में हम दुष्यंत और बैठ जाएंगे। बेबे ये तो बकावे कह रहा अपने ऊपर बैठेगा, मैं तो उनको किसी की बातों में ये राजनीति तो अपने बालक का भी को नहीं, और ये अपनी खड़े होते बेबे मैं तो उनको इन तक बचकर रहेंगे उतना ठीक है, और अपना कोई किसान की आवाज़ उठावा जब अपना बला उसका नहीं, अपना बला नहीं होगा मैंने इतना बेरा। तो वे जो करे देखने लग रहे सारी पार्टी एक होती है, सारी पार्टी एक जिसी है, किसान किसकी तरफ अपना रुझान दिखाए। देखो बेबे वो तो किसान ने खुद देखना है, किसान ही तो इतना बेबे वो पलड़ा बोला कौन रह रहे पौवा पौवा पे बिक जाएगा, सम किसान इतना समझदार है उसने नु मेरा भी इतना अच्छा माड़ा के है उसने नु दिखाएगा भाई तेरे खातिर भला कौन कर सका, या तो खुद समझेगा बेबे कौन सा भला करेगा कौन सा नहीं। मैं तो कहूँ किसान कौन खाता तो कोई पार्टी भली नहीं, लेकिन अपना खातर खुद बेबे कुछ ना कुछ तो पैर लाने पड़ेंगे। तो अपने साथ मौजूद है अनिता सुदकैन बेबे, उससे भी बात कर लेते हैं। राम राम बेबे। राम राम। तो बेबे बेबे ने जुकर बताया संगठन बट गया ये हो गया वो हो गया, कहीं ना कहीं देख के ये लगता है संगठनों में आपस में फूट जो वो बहुत ज़्यादा चल रही है। देखो ये तो अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पिपली कांड होया था, हरियाणा में आंदोलन चलिया था, दिल्ली तक हरियाणा के लोग पंजाब वाले भाई हरियाणा के लोगों ने पहुंचाए थे, और ये संयुक्त मोर्चा ये तो बाद में बने थे, जब ये हमारे यहाँ से किसानों की लड़ाई चल पड़ी थी और किसान बोर्ड अच्छे ढंग से सिंगू बॉर्डर तक हमारे किसान पहुंच गए थे, तो ये संयुक्त मोर्चा भी बाद में बनया था। संयुक्त मोर्चा अपनी टांग पीछे कल की कहीं की कोल देवे परसों की कोई, मैंने वो भाई किसान पिस गए आम लोग पिस गए, लाठी खाने के टाइम पे तो किसान नेता टोए को नहीं पाते, और पाछे तो भाषण देने खातर माइक लेने खातर और मीटिंगा में अपना नाम चमकाने खातर सरकार गलत जान पहचान करने खातर जिद खड़े तैज है ये नू बताओ, लाठी खाने के टाइम पे खेतड़ में कांड होया उदन तो उधर हम पल की शहादत हुई, उदन गुरु नाम सिंह चडूनी मरता आगे था सबसे आगे था, तो हम उसने लोगा की भाई ऐसा ऐसा नेता की बहुत जरूरत है हरियाणा के लोगों ने, और समझ जाना चाहिए हरियाणा के लोगों ने कि भाई जो अपना हमारा छा में गेड़ है पकाओ तो अपना ने पकाओ ना कि दूसरे ने भाई। मैं तो नुका में जिस टाइम पे लाठी चारो जो है सरकार का गल है उस टाइम पर नेता ने सबता आगे लेनी चाहिए, अगुवाणी करनी चाहिए, जब तुम तो कह दे मातृ शक्ति ना अगड़ दो भाई युवा ना अगड़ दो उस टाइम तो इनकी मरने की टाइम पर तो ये पाछे खड़े हो जाए हैं, और भाषण बाजी देने की टाइम पर सब तो पहला खड़े हो जाए हैं, नुकता उस टाइम खड़े चले जावे हैं ये। तो बेबे जिस तरह अपन आज देखा है एक चीज और सामने निकल के आने लग रही है, जो चावल की फसल हुआ इस बार सबसे ज्यादा हरियाणा में, उस फसल के ऊपर 20% जो टैक्स रख दिया गया है उसको लेकर क्या कहना चाहिए, किसान कहाँ जाए
किसान की तो उम्र रहेगी, किसान ने तो ये सरकार खत्म करना चाहे है कि भाई किसान ने तो जमा खत्म कर दे। उन्होंने किसान ने 20% टैक्स ले दिया और धान पे कीमत आधी कम हो जाएगी। किसान तो उस टाइम भी रो था जिस टाइम बारिश था, बाड़ी खराब हुई, फिर किसान ने अपने धान लगाई, और किसान तो मंडी में जाके भी रोगा जिस टाइम आधे दाम मिलेंगे धान के। इस सरकार तो अपनी जमा ताना सही दिखा रही बीजेपी सरकार। कोई तो गामा में जाके ने भाई नोटिस दे हर जमीना पे कब्जा ले प्रशासन ने ले जाके मारी पंचायती जमीन हमें गामा ने खट्टे करके साजनी संपत्ति मारी, हमें अपना आप निपटारा कर लेंगे। सरकार ने आने की तो जरूरत नहीं, इसमें मालिकाना हक तोड़ दिया, अंतकाल तोड़ दिया। बताओ हमारा अंतकाल तोड़ दिया तो मालिकाना अकड़ रह गया और हमारी जमीन मामे तो एक इंच भी कौन देंदे। सरकार का गला मरण मटन कहते तैयार हाँ, और बीजेपी सरकार ने समझ जाना चाहिए बंद कर दे गामा में आके कब्जे लेने।